रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत सलामती के साथ रखे और आपके दस्तखान भरे रखे, आमीन। और जनाब आप लोग देखते हैं इस वक्त मेरा और आपका साथ रहता है 7 बजे तक और इस एक घंटे में लाइव शो में बहुत सारी आपसे बातें भी होती हैं, उसके अलावा रेसिपीज़ भी आपके लिए तैयार करते हैं। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मंगोचियों को बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया कि आपने इतनी जल्दी रिस्पांस दिया। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी थोड़ी आप कह लें कि रोज़मर्रा की रेसिपी के लिए है, तो वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज भी हमारे पास आपने देखा कि जितने भी आज हम अपनी रेसिपी में स्पाइसेस यूज़ करेंगे वो तमाम स्पाइसेस जो हैं वो सैलानी स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे और सैलानी स्पाइसेस में इंशाल्लाह आगे चल के आप इनके जो बहुत सारी कढ़ाई है, बिरयानी है, पाया है, वो सब चीज़ें आपके साथ मैं बनाना सिखाऊंगा। सैलानी का पुलाव मसाला बेइंतहा मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनता है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास सेकंड जो हमारे पास स्पॉन्सर है वो है जनाब SAC यानी कि सैक, और SAC के चिकन पाउडर है, कलर जो लोग बेकिंग करते हैं उनके लिए ये कलर बहुत आइडियल हैं और फाउंडेंट में भी और किसी तरह क्रीम में हर चीज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा SAC का चिकन पाउडर है, कोकोनट ऑयल है और बेइंतहा इनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और इनकी स्क्रीन पर इनके लिंक्स चल रहे होते हैं, आई गेस वेबसाइट का भी चल रहा होगा, तो वो आप देख के और इनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और कोई भी चीज़ परचेज करना चाहें कर सकते हैं। उसके साथ साथ जनाब हमारी जितनी भी कुकिंग होगी वो सब आज के जो हमारे आप कह लें कि पैंस हम जो यूज़ करेंगे वो सब हमारे पास क्लासिक के पैन हम यूज़ कर रहे हैं और क्लासिक के हवाले से मैं सिर्फ आपको बताता हूँ ये रोज़ाना के इनकी बहुत सारी रेंज है, हर तरह के बर्तन आपको मिलेंगे इनकी साइट पर। और इस वक्त जो मैं यूज़ करता हूँ जो आप देखते हैं नॉन स्टिक हमारे पास सारे बर्तन हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई हमारे स्पॉन्सर्स की और एक हमारे पास जो मेन स्पॉन्सर फोटाइल जिसके किचन में आप देख रहे हैं मैं रोज़ाना पका रहा होता हूँ, अवन है, माइक्रोवेव है और हॉब बेहतरीन। और इनके हॉब की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपकी गैस को आप कहने के बहुत कम कंज्यूम करता है, लाइक कम गैस में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो बेहतरीन है। और आजकल वैसे ही आप पता है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जहाँ से भी बचत हो सके हमें ज़रा खुशी होती है। और उसके बाद हम बात करें किचन अप्लाइसेस की, तो यहाँ पर मेरे पास एनेक्स मौजूद है और एनेक्स जो है इसकी अगर मैं बात करूँ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर एयर फ्रायर, और बहुत जल्द एयर फ्रायर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से इसमें आप फ्राई कर सकते हैं। सैंडविच मेकर है, एग बीटर है, हैंड ब्लेंडर और स्पाइस ग्राइंडर, तो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आप कह लें कि A1 क्वालिटी है। और आज की रेसिपी क्या है, तो आज की रेसिपी जनाब हम आपके साथ शेयर करें बहुत ही डिफरेंट सी मज़ेदार सी क्रीमी बटरी चिकन, क्रीमी बटरी हम बना रहे हैं चिकन के साथ, सॉरी चिकन कह रहा हूँ दाल, और आज की जो दाल है वो हम यूज़ करेंगे चने की दाल, ठीक है। तो अब इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांटिटी भी बता रहा हूँ, आपने लिखना है क्यों, क्योंकि आज रेसिपी कार्ड आपके लिए नहीं है और क्योंकि मैं नहीं दे सका तो इस वजह से मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें चाहिए चने की दाल, यहाँ जो कि मैंने यहाँ बॉयल होने के लिए रख दी थी और मेरे पास यहाँ पर बॉयल हो गई है,
ठीक है। चने की दाल ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको बॉईल कर लिया है और ये तकरीबन मेरे पास मौजूद है 1.5 कप के करीब, 1.5 कप चने की दाल लेके मैंने इसको बॉईल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें, मेरे पास यहाँ स्पाइसेस में मौजूद है लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद है नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आइडली तकरीबन 1 खाने का चम्मच डलेगा, ठीक है। उसके बाद ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हम यूज़ करेंगे, 2 जगह है, 1 जगह हम यूज़ करेंगे मसाले के लिए, 1 खाने का चम्मच। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर तकरीबन 1 चाय की चम्मच, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें सैलानी का, ये हमारे पास मौजूद है धनिया पाउडर, और ये भी हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच। उसके बाद हमारे पास मौजूद है क्रीम, और क्रीम हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1/2 पैकेट, ठीक है। तो 1/2 कप के करीब हम क्रीम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो मेरे पास एक प्लेट में इंग्रेडिएंट्स रखे हुए, ये है तड़के के लिए, जो हम इसका तड़का लगाएंगे। अच्छा, उसमें हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें सूखी हुई लाल मिर्च मेरे पास मौजूद है डंडी वाली, बटर मौजूद है, और उसके साथ ज़ीरा मौजूद है। तो ये हम इस पर दाल पर जो है हम तड़का लगाएंगे, ये उसके इंग्रेडिएंट्स। और वेजी में हम यूज़ करेंगे जितना प्याज है तकरीबन, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 थोड़ा बड़े साइज़ का प्याज हम यूज़ करेंगे, और उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे तकरीबन 2 टमाटर हम यूज़ करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चें, और उसके बाद हरा धनिया। ये तमाम लवाजमात हैं आज की दाल की, और इस दाल के साथ आज हम बनाएंगे एक झटपट मज़ेदार सी कैरी की चटनी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स जब हम चटनी बनाएंगे उस वक्त मैं आपको साथ शेयर करूँगा। और अब स्टार्ट करते हैं, पहले हम चॉपिंग कर लेते हैं। साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद, और उस नंबर पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट बताना चाहें, अपना कोई भी अगर कोई रेसिपी ट्राई किया है तो उसका आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी। और बहुत जल्द आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि जी आप हमें भी अपने शो में बुलाइए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ बुलाएंगे आपको अपने शो में, ठीक है। तो जब हम आपके अनाउंस करेंगे उस वक्त फिर आप हमें अपनी डिटेल्स भेजिएगा, और फिर हम आपके साथ यहाँ पे आपको बुला के और आपकी रेसिपी शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। चल, प्याज को अब मैं रफली कर रहा हूँ चॉप, बीच में एक मैंने कट दिया है, कट देने के बाद हमने प्याज को कर लेना है चॉप, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने बस एक बीच में कट दिया, कट देने के बाद अब इसको आप चॉप कर लेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मोटा चॉप ना हो, बहुत बारीक फाइन चॉप कीजिएगा। चल, तो ये हमने प्याज को कर लिया डन, और साथ ही अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जब तक हमारे पास प्याज ब्राउन होगा, फ्राई होगा, हम क्या करेंगे, टमाटर को डन करेंगे। चल, यहाँ पर लेंगे क्लासिक का हम ले रहे हैं पैन, ठीक है, और मेरे पास ये क्लासिक की वोक है ब्लैक कलर में, और अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी? जी खैर से जी। माशाल्लाह से आज चने की दाल बना रहे हैं जी। बिल्कुल, चने की दाल बन रही है। तो माशाल्लाह से अच्छा, आपका मतलब ये है कि जो आप रेसिपी जो भी बनाते हैं सब भाई, तो वो माशाल्लाह से हम कुछ चाहते हैं कि हम बनाएं अपने घर में। बहुत शुक्रिया, बस बनाया कीजिए और हमें बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी। हां, बना लेते हैं। आप मंगोती हैं पास्ता? आपने पास्ता भी चलो रोज ही, लेकिन फिर भी बच्ची को खाते हैं तो बना लिया। थोड़ा सा कॉलर की आवाज बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी स्लो आ रही है। जैसे दाल है, हाँ जी, जैसे आप अभी दाल बना रहे हैं तो ये भी अमूमन शौक से खाते हैं।
बिल्कुल सभी घरों में मुमन चौक पे खाई जाती है। बिल्कुल। और बस ये और कोशिश दूसरे ये है कि थोड़ी डिशेज सी डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएं, ताकि थोड़ा सा आपका जी। टेस्ट भी चेंज हो। हाँ ये सही है। और दूसरे एक और मतलब है कि अरवी आजकल आई हुई है, तो अरवी के जो पत्तों का जो सालन बनाया जी जाता है, जी हो सके तो वो भी बनाइएगा। असल में अरवी के पत्ते जो है ना थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, तो जी इंशाल्लाह मैं जी कोशिश करूँगा, अपने सब्ज़ी वाले को कहता हूँ ला के दे, तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। चलिए सर, ठीक है, चलिए सर, और थैंक यू। बहुत शुक्रिया, ओके बहुत अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार बनते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अरवी के पत्ते और बेसन लगा के उनको स्टीम किया जाता है, या फिर फ्राई कर लीजिए हल्की आँच पे, तो वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे मछली का सालन आप खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश होगी कि अच्छा, मैंने जो ये अरवी के पत्तों का जो सालन सीखा, तो वो मैंने सीखा था अपनी वाइफ से, सोविया से। सोविया बहुत अच्छा बनाती है, और जैसे गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब चीज़ें सोविया ही बनाती हैं वाइफ। तो अब इन चीज़ों से मैं ज़रा सा आप कह लें कि रिलीज़ हो गया हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कभी मौका रहा तो आपके साथ सोबिया को कहेंगे कि वो आके बनाए। ठीक है, बहुत टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और आप कह लें कि उसमें पेशेंस की ज़रूरत है ज़रा, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, प्याज हमारे पास यहाँ फ्राई हो रहे हैं, अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टमाटर। ठीक है, और चलिए मैं क्या करता हूँ, टमाटर को मैं चॉप करता हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो परेशान नहीं होइएगा। इंग्रेडिएंट्स आपको मैं एक दफ़ा फिर बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता सारे काम आपके सामने करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं, और प्याज हमारे पास यहाँ फ्राई हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ताकि मज़ीद ये ब्राउन ना हो। ठीक है, तो मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया है, और उसके बाद अब फ्लेम को मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस और टमाटर। ठीक है, तो टमाटर को भी थोड़ा सा फाइन चॉप कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला जल्दी डन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसमें तमाम स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा, अभी तक मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने ली है दाल, चने की दाल, और उसको भिगो के रखा, बॉईल कर लिया, और उसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने लिया प्याज, उसको हमने चॉप कर लिया। ठीक है, थोड़े से बारीक हमने उसको चॉप किया, ऑमलेट स्टाइल में आप कह लें, थोड़ा सा ऑमलेट से हमने बड़ा चॉप किया। उसके बाद उसको हमने 1/4 कप ऑयल में फ्राई करने के लिए रखा, और फ्राई हो गया है, मैंने हल्का सा पानी डाला। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये चॉप किए हुए टमाटर, 2 अदद दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर ले लिए, उनको चॉप किया, वो हमने ऐड कर दिया। साथ साथ आपसे बातें भी हो रही हैं, अपनी फरमाइश भी आप बता सकते हैं। चलिए, अब बारी है इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करने की। तो अब यहाँ पर फ्लेम को मैंने नॉर्मल कर दिया है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ स्पाइसेस। अच्छा, पहले तो मैं डाल रहा हूँ लहसुन और अदरक की पेस्ट, ये हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर दी। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ नमक, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, उसके बाद गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, उसके बाद हल्दी पाउडर, ये हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर, ये भी हमने डालना है 1 खाने का चम्मच।
ठीक है, तमाम स्पाइसेस डाल दिए, भुनेंगे मसाले को, लहसुन अदरक के साथ तमाम स्पाइसेस डाल के अब इसको आपने अच्छे से ज़रा भूनना है। हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक से दो मिनट के लिए इसको हम कवर करते हैं ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं, और फिर उसको हम क्या कर लेंगे, मैश कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी छोटा है, चलें कोई बात नहीं, क्लासिक का हमने कवर लगा दिया है, हम बगैर चलें इसको हमने जस्ट दो मिनट के लिए हमने कवर करना है, और जब तक हमने उसको कवर किया है तो यहाँ ले लेते हैं हरी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें आप ले लेंगे, और इनको आप कट लगाइए। ठीक है, और ये हम डाल देंगे अपनी दाल में, ये हमने मसाले में डाल दिया, ये देखें ढकने से क्या होता है कि आपके टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको इस तरह से आप आसानी के साथ मैश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से आपने इसको ज़रा मैश करना है, उसके बाद दाल डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने रखेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, और फिर आखिर में हम इसमें तड़का लगाएंगे। ठीक है, तो जब तक हम इसको मसाले को डन करके दाल डालेंगे, हम फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो हम बना रहे हैं इसके साथ कॉम्प्लीमेंट, बड़ी अच्छी थी कैरी की चटनी, और इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने कल आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी पिज़्ज़ा की, हम नहीं कर पाए थे, तो जुम्मे को यानी कि कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा की रेसिपी, तो कल का आपने शो मिस नहीं करना। अगर आपने पिज़्ज़ा सीखना चाह रहे हैं तो उसमें मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखा रहा हूँ, उसके साथ पिज़्ज़ा की डो भी बनाना सिखाएंगे, तो फुल होममेड बनाएंगे पिज़्ज़े को, और ताकि आप आराम से बना सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें मसाला अच्छे से डन हो रहा है, थोड़ा सा मैशर लेके अब मैं इसको मसाले को मैश कर दूँगा। चल ये देखें अब मसाला हमारे पास, इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है क्योंकि टमाटर हमने कर दिए हैं अच्छे से चॉप। और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें दाल, तो दाल को थोड़ा सा मैं स्ट्रेन कर रहा हूँ। चलिए, और अब ये हम डाल देंगे दाल, ठीक है। अब मसाले में हमने अच्छे से दाल को मिक्स करना है, ठीक है, ये देखिए। और अब तेज आंच करके हमने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि थोड़ा सा इसका जो दाल का अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अब मैं फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें जोश आ जाए और ये पानी इसका ड्राई हो जाए। और इस स्टेज पर ज़रूरी है कि आप मसाला टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्च कोई भी चीज़ अगर कम लग रही है तो हम इस स्टेज पर इस पर डाल देंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ पकने के लिए अब हमने इसको छोड़ना है और फिर हम आ जाएंगे इसके तड़के की जाने। चलिए, तो जब तक हमारे पास ये पक रहा है हम क्या करेंगे, आ जाते हैं अपनी ज़रा कैरी की चटनी की जाने। बड़ा अच्छा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। तो सबसे पहले तो हमने कैरी ली है और इसको छील लेंगे,
ठीक है जी। और इसको हम बनाएंगे एनेक्स के ग्राइंडर में। अच्छा, सिल्प पे भी पीस सकते हैं। आजकल सिल्प बट्टा जो है वो बड़ा कह लें कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, और पहले तो सारी चटनियाँ हर चीज़ सिल्प पे ही पीसी जाती थी। कबाब स्पेशली मेरे यहाँ, हमारे घर में अभी तक कबाब जो है वो सिल्प पे ही पीसते हैं, क्योंकि रेशे वाले कबाब जो हैं शामी कबाब, उनका अपना ही एक टेक्सचर है, एक लेवल है। इसको हम गूदा निकाल लेते हैं, थोड़ी सी पकी हुई आप देख रहे हैं मेरे पास कैरी मौजूद है। आप चाहें तो बिल्कुल कच्ची भी ले सकते हैं, डजंट मैटर कि आप पकी हुई ही लें। चलिए, ये हमने कैरी ले ली, उसके बाद हाथ वॉश कर लेते हैं। और इसमें अब हमें मज़ीद क्या क्या कुछ चाहिए तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, दिखा भी देते हैं। अच्छा, कैरी तकरीबन एक अदद हमने ली है नॉर्मल साइज़ की, ठीक है। उसके साथ मैं ले रहा हूँ इसमें हरी मिर्च तकरीबन एक, मैं ले रहा हूँ बड़ी साइज़ की हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें हरा धनिया, ठीक है। तकरीबन एक गड्डी का चौथाई हिस्सा ले लें। उसके बाद हम लेंगे इसमें मेरे पास यहाँ पेस्ट मौजूद है, तो यहाँ मैं लहसुन की पेस्ट डाल दूँगा, अदरक की पेस्ट, ये हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें मिंट यानी कि पुदीना। तो पुदीने के पत्ते हम लेते हैं, चलिए ये हमने पुदीने के पत्ते और हरा धनिया, मुझे लगता है कि हमने इसको धोया नहीं है तो ज़रा सा वॉश कर लेते हैं, ताकि कोई भी अगर ज़रा मिट्टी वगैरह है तो निकल जाए। चल, और अब यहाँ से एनेक्स का हम ले लेंगे हैंड ब्लेंडर, उसमें हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, और साथ साथ दाल जो है उसको भी हमने चेक करते रहना है। और ये देख रहे हैं आप, बॉईल अच्छे से आ रहा है दाल में, और इसका पानी ड्राई हो रहा है। थोड़ा सा मज़ीद पानी ड्राई करेंगे और फिर इस पर हम लगाएंगे तड़का। अच्छा जी, तो इसको हम यहाँ ले जाएं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जनाब अब इसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं। अच्छा, लहसुन और अदरक की पेस्ट मैंने डाल दी एक चाय की चम्मच, उसके बाद नमक, ठीक है। नमक के साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ, स्पाइस बॉक्स में ले आता हूँ, और इसमें से हम डालेंगे ज़ीरा तकरीबन आधी चाय की चम्मच, ठीक है। हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी, डेट्स इट। नमक हमने डाल दिया है, और उसमें हमने शामिल करना है सिरका। चलिए, मैं सिरका फ्रिज से निकाल लूँ, आप देख रहे हैं, ये देखिए कि इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, कैरी भी डाल दी है, ये ज़रा दिखाइएगा। और इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब बारी है इसमें हम यूज़ करेंगे सिरका, सैरलानी का हम यूज़ कर रहे हैं सिरका, तकरीबन दो से तीन खाने के चम्मच पानी डालेंगे। और इसको बीट करेंगे। कॉलर से बात करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं असद भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं? अजाला बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कह रही थी कि जो आप बना रहे हैं, नहीं तो हम लोग खट्टी चटनी है ना, जो हम खिचड़ी वगैरह के साथ बनाते हैं,
एक मीठी चटनी होती है ना, उसकी तरकीब बताइएगा बिल्कुल कि हम आ रही क्या क्या है डालते मीठी चटनी, आपको देखने को मिलेगा मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे, मंगल वाले दिन। और असद भाई वो बताइएगा जो हम जो है ना जैसे जार में करके काफी अरसे रख सकते हैं उसको, जी 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 बिल्कुल, आप उसको 1 साल तक रखिएगा, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, और मैं ये भी कह रही थी कि हमने वो विन किया था आज तक तो हमें वो मिला नहीं है, उसके लिए आप होल्ड पे रहिए, टीम आपसे बात कर लेगी, ठीक है, होल्ड पे रहिए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं, हम इसको ब्लेंड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन ये रेडी है और मुझे इसको अब हम चलें निकालते हैं, बल्कि यहाँ मेरे पास रखी हुई है, इसमें हम डिश आउट करते हैं चटनी को। अच्छा, अब डिपेंड आप पे करता है कि लाइक इसमें कितनी इसको आपने लिक्विड करना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, इसको इसमें मैंने सिरका डाला है और उसके बाद मैं डालूँगा 1 चाय की चम्मच ऑयल। अब इसको आप चाहे 1 हफ़्ता रखें, 1 महीना रखें, इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी बनाते हैं तो क्या होता है कि वो काली पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, तो आप सिरका और ऑयल डालेंगे तो आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही रहेगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसको आप आज़माइएगा। और इसी तरह लहसुन अदरक की पेस्ट में भी जब आप पीसते हैं तो उसमें सिरका और ऑयल डाल दें, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। कॉलर से बात कर लेते हैं जी। और हमारे पास दाल बिल्कुल ये देखें ड्राई हो गई है, पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, फ्लेम में ऑफ कर रहा हूँ और डाल देंगे इसमें क्रीम। कॉलर से बात कर लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं, ठीक ठाक जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। हसन भाई मुझे मूंग की जो दाल होती है जिस तरह आज ये बना रहे हैं जी, ये बगैर उबले किस तरह बन सकती है, जरा आप लाइव बता सकते हैं? बगैर उबाल के बनाई जाती है ग्रेवी वाली और बगैर उबले हुए मूंग की दाल। जी जी। अच्छा, जो थोड़ी नहीं होती फैली जी, जी 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 रुकी, वो मुझे बता दें। अच्छा, आप पूछ रही हैं। और एक और चीज पूछना चाहती हूँ भाई ने आपसे कि ये घर में जो बंद होते हैं ना जी, तो वो मुझे बताना बता दीजिए, इसकी डो बता दीजिए बस। आप कल मंगल वाले दिन मैं इंशाल्लाह पिज्जा बना रहा हूँ, उसी दिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जज़ाकअल्लाह, बहुत जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी टीम वर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत टीम की वजह से ही तो आपको इतना अच्छा देखने को मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपने कॉल की और प्रोग्राम में अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोग्राम बस आपने मिस नहीं करना, क्योंकि पाव सब जो बंद हैं वो मैंने बनाना सिखाए थे, पाव भाजी हमने बनाई थी, आपने मिस कर दी, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको दोबारा से भी सिखा देंगे। अच्छा जी, अब मैं ले रहा हूँ मक्खन, ज़ीरा और सूखी हुई लाल मिर्च। और मक्खन जब हम लेते हैं तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा उसमें हम ऑयल डालते हैं ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं, बस। और अब यहाँ पर दाल हमारे पास बिल्कुल रेडी है, चटनी हमारे पास तैयार हो चुकी है और हमारी रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं, डिस्प्ले पे आ जाते हैं, ठीक है जी। और ये हमारी चटनी आ गई और ये इसका ढक्कन। अच्छा, चटनी मैं टेस्ट करके भी बताता हूँ आपको, बहुत ही मज़ेदार बनती है, जैसे मैंने शुरू में कहा और वैसे ही मज़ेदार बनी है। और ये तड़का हमारे पास हो रहा है तैयार,
चलिए, दाल हमारे पास तैयार है, दाल को डिश आउट करते हैं। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जगह छोड़ देंगे कि हमारा तड़का आ गया। टिश्यू ले लेते हैं। ठीक है जी, नजर आ रहा है। और अब यहाँ पर बस हमारे पास ये मक्खन, ज़ीरा और लाल मिर्च, सूखी हुई जो लाल मिर्च है, उप्स, हमने उसको कर लिया डन। और लाल मिर्च जो है वो फटी। चल अब मखनी तड़का लगाएंगे, ठीक है ये, और बाकी हम इसमें लगा देते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चटनी भी आपके लिए तैयार है, दाल भी तैयार है, और इसको साथ साथ मैंने आपको रिकैप भी देता रहूं कि इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि आज इंग्रेडिएंट लिस्ट हमने आपके लिए शो नहीं की, तो इस वजह से मैं साथ साथ आपको बता रहा था। अच्छा, अब इस दाल पर चाहें तो हरा धनिया डालिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, और इसको आप ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये चने की दाल जो हमने बनाई है वो कैसी लगी। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और कॉल ड्रॉप हो गई है। चलिए दोबारा आप कोशिश कर लीजिएगा। और आज आपके साथ हमने बनाई है जनाब क्रीमी बटरी दाल, जो कि हमने चने की दाल ली थी, और तकरीबन 1.5 कप, रिकैप का टाइम है मेरे पास, तकरीबन 1.5 कप हमने चने की दाल ली थी, उसको बॉयल करने रखा। बॉयल करने के बाद अच्छे से जब वो सॉफ्ट हो गई तो हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज दिया, उसको ऑमलेट स्टाइल में कट किया। 1/4 कप ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया। उसके बाद हमने टमाटर डाल दिए, 2 अदद टमाटर डाल दिए, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था, फ्राई किया। और उसके बाद फिर हमने उसमें ऐड किए तमाम स्पाइसेस, जिसमें हमने धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हल्दी पाउडर 1 चाय की चम्मच डालेंगे, और उसके बाद आपने इसमें तमाम मसाला डाल के इसको अच्छे से भुना। भुनने के बाद फिर आपने इसमें शामिल कर देना है जनाब हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल के टमाटर को अच्छे से मैश कर लें, और उबली हुई दाल डाल के इसको अच्छे से पकाएँ, यहाँ तक कि हल्का सा ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर आपने ये मक्खन में सूखी लाल मिर्च और ज़ीरे का तड़का लगा दिया। चाहें तो इसमें और क्रीम हमने डाली थी, ठीक है, क्रीम तड़के से पहले आपने क्रीम डालनी है और फिर तड़का लगाएंगे। और चाहें तो इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, हल्की सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी इसमें आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आपसे चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल पिज़्ज़ा की रेसिपी के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा स्क्रीन पर, और उसके बाद अपने घरों में बना के मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।